फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे से हैं, आप लोगों के दुआओं से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी है। और चलिए, हमारे ब्लॉग्स में आप लोग एंड तक बने रहना। और मैं कहाँ जाने वाली हूँ, आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो अभी वहाँ के मैं आप लोगों से बताऊँगी नहीं जब क्यों जा रही हूँ, किस कारण से जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं। मैं वहाँ पे जाके ही आप लोगों से दिखाऊंगी और बताऊंगी, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है। चलिए, हमारे ब्लॉग्स में आप लोग एंड तक बने रहना। और जो लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस, अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ फाइनली। चलो, मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, ज़्यादा हैप्पी कुछ नहीं पहन के जा रही हूँ, हल्के हल्के पहन के जा रही हूँ। एक ड्रेस लेके जा रही हूँ, वो अभी कभी पहनी नहीं हूँ, कभी वो ड्रेस पहन के अभी वीडियो वीडियो नहीं बनाई हूँ। ये हल्का गर्मी के मौसम है, तो हल्का ही मतलब सूट अपने एक डाल ली हूँ, जो ये कई वीडियो में आप लोग देखे भी होंगे। और जो ये पीला पहनी थी, तो अभी ये पीला वाला वो निकाल दूँगी, और इसे अभी जब तक मैं मेकअप वेकअप कर लूँ, अभी मेकअप करी नहीं हूँ, मेकअप कर ले रही हूँ, तैयार हो जा रही हूँ। जब तक वो फ़ोन करे थे जो हम सामान सारे ले रखे हैं, क्योंकि हमारे साथ मतलब हम जा रहे हैं कम से कम 9-8 लोग, तो वो लोग हैं, अच्छा 6 हम हैं, तो कितना हुआ 8, तो 14 लोग हो रहे हैं। हम 14 लोग जा रहे हैं, बच्चे उच्चे मिला के 14 लोग हैं। तो हम मुझे ये खाली कह रहे थे कि चल, मेरा वहाँ पे कोई काम नहीं है और बस खाली घुमाने के चक्कर में और वीडियो वीडियो बना लिए, तो वहाँ पे जा रहे हैं। किस कारण से ये इतने लोग सब जा रहे हैं, मैं वहीं पे आप लोगों से बताऊँगी। फ्रेंड, मैं हो गई हूँ फाइनली तैयार, अभी मैं लेटी हूँ क्योंकि वो अभी गए हैं और गाड़ी लेने के लिए। अभी फ़ोन करी थी तो मार्केट में बता रहे थे जो गाड़ी लेने के लिए जा रही हूँ। अभी सब लोग जो सामान सट्टा है इकट्ठा कर रहे थे, तो इसीलिए लेट हो गया। हट जा नन्नू, इसीलिए लेट हो गया। 4 बजने वाला है और चुम्मी ले रही है, चुम्मी ले रही है, मेरे नन्नू। तो मैं इसीलिए थोड़ा लेट गई कि सो दोस्तों, बेटी डिस्टर्ब कर दे रही है और बातें नहीं करने दे रही है, तो मैं लेट गई थी ताकि गाड़ी में बैठ के जाएंगे तो थोड़ा थक जाऊंगी। तो मैं सारे दिन काम उम करती रही, तैयार वार हुई, बच्चों को तैयार करी, तो लेट गई। अब वो लोग आ रहे हैं, तो अब निकलेंगे, तो फाइनली मैं आप सबसे दिखाते हुए चलूँगी। और वहाँ के लिए मैं बता दे रही हूँ, भीमताल जा रहे हैं, भीमताल वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं वो सरप्राइज है, वो मैं आप लोगों को वहाँ जाके ही बताऊँगी। तो चलिए, ब्लॉग्स में बने रहे। और मेरे बेटी कितनी परेशान कर रही है, देख देख देख, इधर देख। ओ सलीम भाई, इधर बोलो। हाँ जी। चलो इसमें बोलो। स्मार्ट वीडियो आ रही है ना, हम लोग जा रहे हैं, बोलो बोलो। हम लोग जा रहे हैं, तुम्हें ले लिया गाड़ी चला, गाड़ी में लोड करने जा रहे थे, इधर तो देख लो, अपना सामान लोड करके जा रहे हैं, ये देश छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ के नज़ारे रास्ते में ये देखे गए, सही लगी भी था। यहाँ की नज़ारा देखिए कितनी खूबसूरत है, और ये पहाड़ पे कोहरा है, पहाड़ पे एकदम कोहरा हो रहा है। ये पहाड़ पे बादलों एकदम लग रही है, बादल गिर गया है ऐसे। ठंडे मौसम के जैसे कोहरा हो रहा है इस। हमारी टीम का लोग, टीम का नहीं गाइस, ये लोग हमारे साथ में आए हैं और सब यहाँ पे रुके हुए हैं, गाड़ी वहाँ पे खड़ी करके। और मैं यहाँ के डीओ में आप सबसे दिखाती हूँ, अभी बैक कमरे से दिखाती हूँ मैं आप सब।
देखिए कितनी बढ़िया भीड़ है यहाँ के, जूम करके दिखाती हूँ। एक बीच में ये पेड़ आ गया, और बादल इस तरह से छाया हुआ है जैसे कि कोहरा, जाड़े के मौसम में जो कोहरा होता है ऐसे बादल छाया हुआ है। और ये लोग सब लोग यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, यहाँ के घुमाते हुए मैं व्यू दिखाती हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा ऊपर के दिखा। तुम्हें सबसे ज़्यादा हीरो बन रहे हो ना इसमें, बोले ना। ओ बेटी तुम्हारा सारे एक्टिंग इसमें आ रहा है। ये है भीमताल के नज़ारे और ये वाला मकान दिखा, ये वाला आगे जो आया यही तो दिखा रही हो। नहीं ये वाला आगे जो आया इसी को, पहाड़ पर कितने खूबसूरत खूबसूरत घर बना हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ के इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, इतने बढ़िया मकान है यहाँ पे, जो यहाँ के लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। इसमें गाने की आवाज आ रही है तो हमारे आवाज की क्या जरूरत है। सामने का मकान कितनी खूबसूरत है, यहाँ यहाँ पे काफी अच्छा जगह है, यहाँ पे घूम के वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे मैं सही दिन रुकूंगी, मैं यहाँ के जितना हो सके उतना लोकेशन दिखाने की कोशिश करूंगी और मैं घूम के आप लोगों से सब दिखाऊंगी और मैं खुद पहली बार देखूंगी यहाँ की व्यू। सो गाइस आज सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का, सुबह सुबह का, और मेरे तरफ से आप सभी का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और चलिए मैं कल शाम को नहीं बता पाई वो बातें, मैं आज आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। कल पता है जब हमने आए तो यहाँ पे 7:30-8 बज गया था, इतने करीब आए तो रात हो गया था यहाँ पे, और हल्की हल्की बारिश हो रही था, अभी भी हो रही है हल्की हल्की बारिश। यहाँ के मौसम ऐसे है दोस्तों कि हमेशा ठंडा, और देखिए हम कंबल भी ओढ़ के, सब लोगों ने कंबल ओढ़ के सोए, मैं आप लोगों से दिखा रही हूँ, आप लोग यकीन नहीं मानोगे यहाँ पे इतना ठंडा है। देखिए अभी बेटी सो रही है तो ये ही कमरा ले रखे लो, इसी में क्यों ले रखे लो मैं आप लोगों से बताती हूँ, आप लोग सब्र रखो थोड़ा, जब तक मैं और बातें कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। और यहाँ पे भी देखो कंबल है, सब अपने अपने कंबल ऐसे ही रख दिए है लो उठने के बाद में, और मैं अभी उठी हूँ, सब नाश्ता करके चले गए। तो यहाँ पे हम इसलिए आए हैं, यहाँ पे ये लोग और नाशपाती के बगीचे ले रखे हैं, नाशपाती के बगीचे में आए हैं तो ये कमरा ले रखे हैं भीमताल में, और यहाँ पे अभी सब लोग तोड़ने के लिए गए हैं और यहाँ पे रखा जाएगा सब इसी कमरे में, एक तरफ को रखा जाएगा और उसके बाद में कल को पैकिंग होगी, तो पैकिंग होके और पिकअप आएगा, पिकअप से लाद के दिल्ली साइड में चला जाएगा माल सारा। और मैं आप लोगों से बता दूं अगर कल पिकअप आएगा तो वो गाड़ी के साथ जाने वाले हैं तो आज मेरे को शाम को छोड़ देंगे घर पे, अगर कल पिकअप नहीं आएगा तो आज भी रुकूंगी कल जाऊंगी, तो कोई अभी मतलब क्लियर नहीं है कि आज जाऊंगी
कल जाऊंगी, अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है। अभी जब वो बात करेंगे पता चलेगा कि हाँ आज गाड़ी, आज रात को गाड़ी आने वाला है या कल आने वाला है, तो उसी के हिसाब से मैं जाऊंगी। और मैं यहाँ पे इसलिए आई थी, यहाँ के मौसम देखने के लिए, बहुत ही खूबसूरत यहाँ के मौसम है। और वीडियो में आप लोगों को दिखाई हूँ यहाँ के नज़ारा कितनी बढ़िया है। यहाँ जिधर भी जाओ, जिधर भी जाओ, मतलब कहीं पे भी खड़े होकर वीडियो बना सकते हो, एकदम बढ़िया मस्त। इतना बढ़िया यहाँ की लोकेशन है, क्या बताएं, बहुत ही अच्छा। और मैं खुद पहली बार यहाँ पे रुकने के लिए आई हूँ और घूमने के लिए भी आई हूँ। तो हम लोग कार से आ गए थे और सब लोग तोड़ने ओढ़ने के चक्कर में लग गए। अगर बाइक होता ना, बाइक से तो और मज़ा आता, घूमने फिरने में हर ठहर जाकर घूमते फिरते और वीडियो बनाती। मैं एक बार और कोशिश करूँगी कि बाइक ये जाएंगे तो उधर से बाइक लेके आएंगे तो बाइक आ जाएगा, तो एक बार बीच बीच में आने को मैं और कोशिश करूँगी। आके मैं अच्छे अच्छे यहाँ से सब घूमूँगी। वहाँ पे मैंने ताल भी देखी तो ताल के मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं सोच रही हूँ जब मैं घूमने के लिए आऊँगी, स्पेशली खाली एक दिन अकेले बच्चे उच्चे छोड़ के दिन दिन के लिए आऊँगी, तो बाइक रहेगा साथ में, तो भीम ताल का जो ताल है, जितने ताल हैं, दो तीन ताल सुन रखे हैं, सात ताल, हाँ सात ताल, वो सारे घूमूंगी मैं और सारे आप लोगों से दिखाने की कोशिश करूँगी। सो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं एंड करती हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उसमें जो ये नाशपाती आएगा, और उसमें मैं, अभी तो बारिश हो रही है, और जो जाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी। अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों के यहाँ के नज़ारा दिखा के और इस वीडियो को एंड कर दे रही हूँ, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं और उसमें आप लोगों के जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे। आगे से ही हरियाली और पेड़ और देखिए ये सब लगा हुआ है और बारिश भी आ रही है, ये गीला हो रखा है और इस पे से थोड़ा टपक रही है, तो आप लोगों को मालूम हो जाए, ऐसे नहीं पड़ रहे, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और देखिए नाशपाती भी लगा हुआ है इसमें, आगे जो पेड़ है, यहाँ के व्यू देखिए। और इसी कमरे में ये सामने से भी गेट है, सामने से अच्छा है मगर उधर से नहीं खोले हैं, इधर से खोले हैं, साइड से पीछे से।